आते नहीं कैसे होगा, एक थोड़ा बहुत याद और एक तो हम पढ़े ही नहीं कैसे होगा, ये हम नहीं जानते हैं कैसे होगा। लेकिन हाँ, हम यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक आपका टाइम ओवर नहीं हो। क्लास ले रहा है व्हाट्सएप पढ़ लिए थे, यूट्यूब का चैनल इनस्टीम में मैं भेजे थे। दोनों में सेटअप करके रखे थे, यूट्यूब और फेसबुक। लेकिन हम जब बताएंगे तो कोई डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बाद में जिसको जो डाउट होगा वो ओनली मैसेज भेज सकता है। ठीक है, मैं भेजू क्या बोले क्या थी? एक बार देखा ना तो BCM से मिला के देख लो, जो क्या कहते हैं उज्जवल सर, नारायण सर और सबका मतलब क्या कहते हैं आठ आठ फूट गया है ना, तीन बार का डायरेक्टर सर का ना। अभी जो हम भेजेंगे तो तुम किसका कर दोगे गाइड? प्रमोद कुमार झा कर लेंगे, उनको बुला लेंगे। ठीक, मिला आपको यूट्यूब का? चल रहा है क्या? उसको थोड़ा मिनट निकाल दो, मैं डाल के जमा करवा देता हूँ। चल रहा है बता ना, डिस्काउंट दिया 50%। अभी है 50%, चल रहा है ना। कितना हुआ? 3500। तुमको जाना कब है? हम निकलेंगे यहाँ से 5 तारीख सुबह। 5 तारीख सुबह मतलब 4 तारीख तक आओगे? 4 तारीख नहीं आएंगे। कब तक आओगे? हम आज आए हैं, कल आएंगे, 3 तारीख 4 तारीख निकलेंगे हम देने के लिए।
तीन चार तारीख को नहीं आओगे, पांच तारीख को मतलब तीन तक आ सकते हो। बोलेंगे विजय साहब चौधरी है, ये सर चौधरी सर दिया आगे शिवरात्रि में घर घूम के मतलब अब कुछ चैटिंग में कुछ भेजी तो अरे तो सुना पड़ रहा आपका आवाज पूरा सुनाई देगा ना, हम ऑडियो को खोल के टेस्ट कर रहे थे। अरे जहाँ पर गूगल देखा है वहाँ पर आपका बोर्ड दिखा पड़ेगा। आया स्टूडेंट सब कितने वैसे क्लास में बहुत टाइम हम फेसबुक को ऑफ करके रखे हैं, वहाँ पर जाएंगे तब ऑन कर देंगे जब स्टूडेंट आएगा तब। ठीक है मिल गया, प्रॉब्लम है ऊपर में नेट कनेक्शन का।
आप खोल भी सकते हैं नहीं खोल सकते हैं। बोले जो स्टूडेंट को लिंक देना है तो उस लिंक को भेज दे दूं। अभी नहीं, क्लास स्टार्ट हुआ ही नहीं। एकटा जे छै ने सुनो अथी वाला फूले वाला भगवान पर बहुत नीक किछ किछ करै छै, फूल वाला ही जे छै ने ओकरा कहियो जे तो लगै छै आ ई रहे देतै इग्नू वाला एहि पर से टंगा सकै छै तऽ टेंग देतै, क्योंकि अभी तो भऽ गेलै पूरा आम जनवरी तऽ निकल गेलै। इसको छटपटी है क्या? ऑफलाइन कोई आना चाहता है ना या नहीं? कोई आया हमको तो नहीं लग रहा है। बस कोई आया भी है? अब मत भेजिएगा लिंक। ना ना मैं देख रही हूँ। ब्लू वाला नहीं एंड चाहिए, समझ रेड एंड चाहिए लिखा हुआ। ब्लू है, समझ रेड है, ठीक है। दिखाई दे रहा है अभी? अभी देखिए तो वीडियो खोल के मैं दिख रही हूँ। दोनों दिखाई दे रहा हो? आप भी दिख रहा है, मैं भी दिख रहा हूँ। कैसे? मैं दिख रही हूँ, टिप टिप कर रही हूँ, आप दिख रहे हो? हम तो सामने बैठे हुए हैं, इसका कैमरा और ये जो कैमरा पीछे वाला से मैं दिख रही हूं। कौन पीछे वाला? लैपटॉप का पीछे थोड़ी था आपका, ये वाला वो इसके साथ इस ये यही तो टेक्नोलॉजी है। Thank you.
बाहर इसको ध्यान दीजिए वायर छोड़ा नहीं दीजिए ठीक है इस साइड से ही कर सकते हैं या उन्हें कम इस साइड से ठीक कर दीजिए उधर से ठीक होगा वहीं पे ये ठीक है साइड से इसको थोड़ा साइड कर दीजिए बीच में देख रहे हैं इसलिए कहा गया
हेलो सुनील कुमारी दीपा दीपा सबको दिखाई दे रहा है यस ओके आप लोगों को जो भी डाउट रहेगा या क्वेश्चन आपको अगर पूछना है तो प्लीज आप पोस्ट करते रहिए मधु गुड आफ्टरनून दीपा एंड सुनील हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चन डाउनलोड कर लेते हैं MCS 021 Data and File Structure मेरे हिसाब से स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है ना साउंड से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं ना है यस यस दिख रहा है ओके सुनील ये जो क्वेश्चन पेपर है हेलो ओके फर्स्ट जो टॉपिक है
जैसे नॉर्मल फर्स्ट क्वेश्चन टॉपिक है व्हाट इज एन एरे, एक्सप्लेन द एल्गोरिथम फॉर द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस using single dimension array. इसको हम लोग पहले देख लेते हैं. ओके मधुप, आज MCS 21 के बारे में आप हाईलाइट कीजिए सर, और एग्जाम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, एंड सभी पेपर का गेस क्वेश्चन भी दीजिए. अब सब क्वेश्चन का नहीं दे पाएंगे सर, सबसे पहले जो है एक एरे से रिलेटेड हम क्वेश्चन बता देते हैं, तो दो घंटे के अंदर हम सब क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, थोड़ा ओवरव्यू हम बता देंगे. आपको बोर्ड को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जो कुछ टॉपिक के बारे में अगर हम लिखते हैं तो आपको दिखाई दे. एक मिनट सर, उम्मीद है जो लिखा गया है उसको आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड में. अच्छा सुनील, अभी खुल रहा है बोर्ड सही से? एक सिंपल क्वेश्चन लिए है, व्हाट इज एन एरे एंड एक्सप्लेन द एल्गोरिथम फॉर द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस यूजिंग सिंगल डायमेंशनल एरे. अभी दिख रहा है हमको? तो दिख रहा है. यस यस ओके. तो सबसे पहली बात बता देते हैं, डेटा स्ट्रक्चर दैट इज द एडवांस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड रिलेटेड टू द मेमोरी एलोकेशन टू आवर सिस्टम. इट कैन ऑल्सो यू मे कॉल द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा मैनेजमेंट, डेटा एंड फाइल मैनेजमेंट. से द ऑर्गेनाइजेशन of data, organization of data. I think everyone knows that what is data. Data is a sequence of data is a sequence of bits. तो सीक्वेंस ऑफ बिट्स मेक्स बाइट्स. जैसे कि अगर हम कोई डेटा लिखते हैं, इंटीजर टाइप डेटा हो सकता है, जैसे 24, एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सीक्वेंशियल ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लाइक दैट. सो डेटा और फाइल स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट थिंक इज डेटा एंड फाइल. तो जैसे कि आप लोग देखे व्हाट इज एरे, तो एरे को हम लोग बोल सकते हैं एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर वेयर वी कैन स्टोर multiple same data type values. Array is a data structure where we can store multiple same data type values.
जैसे कि हम लोग बोलते हैं व्हाट इज एन एरे, तो एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर वी कैन स्टोर मल्टीपल सेम डेटा टाइप वैल्यूज। अभी दिख रहा है कोड, ये और थोड़ा आगे करते हैं। उम्मीद है दिख रहा होगा। तो एक्चुअली डेटा और फाइल स्ट्रक्चर में मेन पार्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो हियर इन एमसीएस 021 वी कैन डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल लाइक एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ऑल ऑफ दीज आर द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सो व्हाट इज डेटा? डेटा इज ए सीक्वेंस ऑफ बिट्स। For example, 24 is a kind of data that can store within your computer memory by using sequence of bits. The first kind of data structure we also may know in C language, array. Array is a data structure where we can store multiple same data type values. Clear? वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव वैल्यू हो गया। जैसे इंटीजर एक्स फाइव, इसमें जितना भी डेटा रखा गया है सब किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। यस प्लीज। हाँ चलो आइए, दिखा दे रहा है सबको। यू मे सी say x of 0, x of 1, that is the index of array, x of 3 and x of 4, 30, 40, 60, 40. Can you say how many bytes memory can be allocated by the given array? Yes, board पर थोड़ा light आ रहा है। एक काम कर सकते हैं। Board को थोड़ा side कर दीजिएगा। इस side कर। एक मिनट। अब इस साइड अभी क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन जो लिखा गया है। एक्सप्लेन द एल्गोरिथम फॉर द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस यूजिंग सिंगल डायमेंशनल एरे। तो फर्स्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है
वो हम लोग एरे के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, ओके। तो फिर से एक बार देख लीजिए, फर्स्ट हम पार्ट एक बताए थे, व्हाट इज एन एरे। एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर वी कैन स्टोर मल्टीपल सेम डेटा टाइप वैल्यू। आपको ये बताना है जो ये जो एरे हम एग्जांपल लिखे हैं इसमें कितना बाइट मेमोरी एलोकेट होगा। जैसे कि इसमें कितना वैल्यूज है, 5 वैल्यूज है। सुनील, दीपा, टेल मी द आंसर, कितना बाइट मेमोरी एलोकेट होगा? कोई आइडिया है? यस, 10 बाइट। ओके, वी नो दैट एवरी इंटीजर टेक्स 2 बाइट, सो हाउ मेनी बाइट्स द एड्रेस मे बी से 99900, सो 2 बाइट्स दैट इज 91902, 1904, 1906, 1908 and 1910. So total 10 bytes memory allocate होगा। ये जो memory allocate हो रहा है वो किसका memory लेगा sir? Here memory is allocated. ये जो 10 बाइट मेमोरी एलोकेट हो रहा है ये किसका लेगा? है ना? तो हम लोगों का मेमोरी जो टाइप होता है, एक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, मेन टाइप। तो हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं या डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसमें किसका मेमोरी लेगा? रैम का। ओके, तो ये क्लियर है। एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर वी कैन स्टोर मल्टीपल सेम डेटा टाइप वैल्यू। यही अगर कैरेक्टर का हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? कैर से वाई कंसिडर द कैरेक्टर एरे, द नेम ऑफ द एरे इज वाई, टू स्टोर 5 कैरेक्टर एंड द लास्ट कैरेक्टर कंसिडर एज नल कैरेक्टर फॉर द केस ऑफ स्ट्रिंग। तो कैरेक्टर एरे जो कि नल स्ट्रिंग से एंड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। क्लियर है? यस, प्राइमरी। अच्छा, अभी मेन क्वेश्चन हम लोग का क्या है? एक्सप्लेन द एल्गोरिथम फॉर द एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस यूजिंग सिंगल डायमेंशनल एरे, नॉट द डबल डायमेंशनल एरे। क्लियर है? क्लियर आदित्य? ये एरे का डेफिनेशन लिखे थे नॉर्मल, जो एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर वी कैन स्टोर मल्टीपल सेम डेटा टाइप वैल्यू। जैसे जब इंटीजर लिखेगा तो सब इंटीजर लिखना पड़ेगा, जब फ्लोट लिखेगा, कैरेक्टर लिखेगा तो सब कैरेक्टर होगा। क्लियर? ओके, इसको हम इरेज कर देते हैं। अच्छा,
अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले बता दीजिए, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एन एल्गोरिथम? यहां पर पूछा गया है एल्गोरिथम बनाना है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस यूजिंग सिंगल डायमेंशनल एरे। तो नॉर्मली कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप वाइज अगर कोई इंस्ट्रक्शन को हम लोग लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर लिखते हैं, जैसे आप लोग पहले भी पढ़े थे एल्गोरिथम फॉर फैक्टोरियल प्रॉब्लम, कोई भी सी प्रोग्राम होता था तो पहले आप लोग एल्गोरिथम बनाते थे, फ्लो चार्ट एंड देन प्रोग्राम बनाते थे। तो इसमें हम लोग एक चीज देख लेते हैं क्या डिफरेंस है टू डायमेंशनल और सिंगल डायमेंशनल। Whenever you are trying to write two dimensional array, two dimensional hai, and the elements are 2, 3, 4, 5. So first row mein kya hai? 2, 3 hai, aur second row mein 4, 5. Okay. It must be noted that for addition of two matrices, their order must be same. Otherwise, addition or subtraction is not possible for different matrices. Say 5, 6 and 7, 8. So, ये two-dimensional है. But इसको अगर normally हम लोग single-dimensional में represent करते हैं, तो कैसे लिखेंगे? एक साथ इंटीजर ए ऑफ 4, तो टोटल चार एलिमेंट है 2, 3, 4, 5। सिमिलरली इंट बी ऑफ 4, 5, 6, 7, 8। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डायमेंशनल मैट्रिक्स इनटू सिंगल डायमेंशनल एरे। क्लियर है? Yes, yes. Right, sequence of instruction, that is called algorithm. Yes, Sunil. Okay. जब दो मैट्रिक्स को एडिशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? ए ऑफ जे आई जे प्लस बी आई जे, इसका वैल्यू कहां पर स्टोर होगा? सी आई जे डायमेंशनल। एरे के बेस पर, बट साइड में जो हम दिखा रहे हैं दैट इज वन डायमेंशनल एरे के लिए। क्लियर है? जैसे ये टू डायमेंशनल एरे था, इसको रिप्रेजेंट किया गया है सिंगल डायमेंशनल एरे में। तो इसमें जैसे कि दो लूप का जरूरत है, इसमें एक लूप से हो जाएगा।
क्लियर है? तो दोनों में एक्चुअली किस टाइप का होगा उसका डायग्राम हम बना देते हैं। ये टू डायमेंशनल मैट्रिक्स था जिसमें एलिमेंट 2, 3, 4, 5 एंड 5, 6, 7, 8 दोनों को ऐड करने के बाद क्लियर। बट सिंगल डायमेंशनल में क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 दिखा दे रहा ये सुनील, ए 2,2 ये वन डायमेंशनल एरे है। अच्छा ये क्लियर है? एक हम दिखाए टू डायमेंशनल एरे में एडिशन कैसे होगा और दूसरा वन डायमेंशनल एरे में एडिशन कैसे होगा। बट ये तो वन डायमेंशनल एरे का रिप्रेजेंटेशन है, इसमें दो दो करके वैल्यू को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। जब आप आउटपुट में दिखाइएगा उस सिचुएशन में 7, 9, 11 और 13 कर दीजिए। व्हेनेवर यू आर गेटिंग द आउटपुट देन यू कैन राइट 7, 9, 11, 13 विद इन द डिस्प्ले। क्लियर है? ये 7, 9, 11, 13 वन डायमेंशनल में था, तब इसको क्या रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट दो एलिमेंट को पहले लिखे और 11, 13 को नीचे। जब प्रिंट करेंगे स्टेटमेंट कोई प्रोग्राम से तो इस टाइप का फॉर्मेशन में दिखा सकते हैं, लेकिन मेमोरी में इसी टाइप का रहे। क्लियर? जी जी जी। देखो क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द एल्गोरिथम फॉर द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस यूजिंग सिंगल डायमेंशनल एरे। ठीक, अभी ये जो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट किए हैं, सॉल्व किए हैं, इसके ऊपर बेस करके आपको एल्गोरिथम को लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। ये क्लियर लगभग में सबको? मधुप, दीपा, सुनील, ओके। हाउ टू राइट द एल्गोरिथम? ओके ओके, लेट्स सी। बना फर्स्ट लिखे रीड द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स से
m, that is read first matrix A and second matrix B. Suppose MN, ये आप रीड कर लिए, फर्स्ट इनपुट ले लिए. नंबर टू, रीड द M इंटू N एलिमेंट्स फॉर मैट्रिक्स A. M into N मतलब अगर 2 by 2 करते हैं टोटल चार एलिमेंट लेना है. रीड एलिमेंट्स फॉर नेक्स्ट रीड M by N एलिमेंट मैट्रिक्स B के लिए. यहाँ पर एक इनिशियलाइज करके रखेगा, आई के अंदर कितना वैल्यू डाल के रखे हैं, अच्छा वन नहीं जीरो कर दिया, आई का वैल्यू इनिशियल वैल्यू जीरो. रिपीट स्टेप अंटिल आई लेस देन इक्वल टू एम इनटू एन. अभी दोनों का वैल्यू सी आई जे के अंदर डाल दिए. ओके, तो रिपीट स्टेप यहां पर कर दीजिए. फाइव एंड सिक्स कब तक चलेगा? फाइव सिक्स अंटिल आई लेस देन एम इनटू एन. तो ये पूरा पार्ट इसके अंदर चलेगा. तो जैसे कि इसमें एक लूप चल रहा है, अगर इसी का अगर हम लोग टू डायमेंशन में करते हैं तो दो लूप चलना चाहिए. जैसे कि लिखा है रिपीट स्टेप्स फाइव एंड सिक्स अंटिल आई लेस देन एम बाय एन. तो सी आई का वैल्यू ए आई प्लस बी आई, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होना चाहिए. एंड लास्टली प्रिंट द मैट्रिक्स सी, सी मैट्रिक्स को लास्टली आप डिस्प्ले कर दीजिए. Is it clear to all? Sunil, Madhu, Deepa. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं. ये तो हो गया, ये क्लियर हो गया. एक्सप्लेन द एल्गोरिथम फॉर द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस यूजिंग सिंगल डायमेंशनल एरे. ओके,
क्वेश्चन नंबर 5B प्रपोज ए रिप्रेजेंटेशन फॉर a polynomial explain the advantages of such representation. ये क्वेश्चन था, ये भी 10 मार्क्स का है. प्रपोज ए रिप्रेजेंटेशन फॉर ए पॉलिनोमियल एंड एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन. पेपर देख लीजिए. अभिषेक कुमार, यस, ओके. क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए. पॉलिनोमियल किस टाइप का होता है? Consider a polynomial 2x to the power 5, 3x to the power 4, plus 8x square, plus 9x to the power 1, plus 3x to the power 0. है ना? तो to represent the above polynomial. Using array. तो कैसे कर सकते हैं? To represent the above polynomial using array, तो कैसे लिखेंगे? Coefficient of x to the power 5. तो एक कॉलम में बनाया है coefficient और दूसरा में बनाया exponent, है ना? Power. तो 2x to the power 5, इसको क्या लिखें? 2 5. तो सर इसके लिए एरे में कैसे लिखा जाएगा? से नेम ऑफ द एरे पॉली. फाइव रो एंड 2 कॉलम, है ना? फाइव रो 2 कॉलम, ये क्लियर है? तो 5 रो है और 2 कॉलम है. तो जैसे कि कोफिशिएंट जितना भी रहेगा,
body 2 0, whatever 0, that is 9, and body 4 0, that is 23. Okay. And similarly, body 0 1, जब भी कॉलम में 1 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सपोनेंट को डिफाइन कर, कॉलम का वैल्यू ऑलवेज 1 है, सब कॉलम वो फर्स्ट कॉलम हो गया, तो इधर भी इस साइड वाला 0 है, 0 0 ये पार्ट हो रहा है, 0 इधर 0 इधर का, फिर जैसे 0 1 एक्सपोनेंट को आइडेंटिफाई करता है, अच्छा हां 1 0 1 1 2 0 2 1 ऑलवेज क्या है, दो ही ना कॉलम है, जीरो और वन हो सकता है, और फाइव का मतलब कितना हो रहा है, जीरो वन टू थ्री फोर, फोर तक जाए, क्लियर जी। तो क्वेश्चन पूछा गया था प्रपोज ए रिप्रेजेंटेशन फॉर ए पॉलिनोमियल, तो टू रिप्रेजेंट द अबव पॉलिनोमियल यूजिंग एरे, एरे रिप्रेजेंटेशन हम लोग दिखा रहे हैं। क्लियर है? अभी क्वेश्चन यही था, प्रपोज द रिप्रेजेंटेशन फॉर ए पॉलिनोमियल, हम तो रिप्रेजेंटेशन दिखा दिए हैं, उसी के साथ था एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, दो एडवांटेजेस लिख देते हैं, द इफेक्टिव यूज ऑफ मेमोरी, मेमोरी का यूज इफेक्टिवली होता है, मतलब जितना जरूरत है उतना ही होता है। नंबर टू, इजी easy to find operation of polynomial, polynomial ka operation karna aasan hai, for example jaise ki addition nahi to multiplication, द एग्जीक्यूशन टाइम जिसको आप लोग बोल सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेटर देन अदर, तो
15 हम एडवांटेजेस लिख दिए हैं, इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन करने से क्या फायदा है। इफेक्टिव यूज ऑफ मेमोरी ये कर सकते हैं, इजी टू फाइंड ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे पॉलिनोमियल का ऑपरेशन एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, वो आसान हो जाता है। द एग्जीक्यूट इट टेक्स लेस टाइम टू एग्जीक्यूट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बेटर देन अदर, ठीक है, दूसरा जो रिप्रेजेंट करेंगे उससे बेटर होता है। क्लियर? ओके, तो ये सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मधु सुना दे रहा है, सुनील, अभिषेक, दीपक, ये क्लियर हो गया? यस सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे व्हाट इज एन एरे, एन एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस यूजिंग वन डायमेंशनल एरे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रपोज ए रिप्रेजेंटेशन फॉर ए पॉलीनोमियल एंड एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। ओके ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ये क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख लीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 3B। राइट प्रिम्स एल्गोरिथम फॉर कंस्ट्रक्टिंग minimum cost spanning tree जिसको आप लोग शॉर्ट में बोलते हैं MCST एंड ट्रेस
the algorithm trace the algorithm for the following graph. So write Prim's algorithm for constructing minimum cost spanning tree and trace the algorithm for the following graph. So graph क्या दिया हुआ है उसको आप copy में design करके रखिए. 1, 2 please copy का use कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Ten, twenty-eight, sixteen, fourteen, twelve, eighteen, fourteen, twenty-four, twenty-five, and twenty-two. हो गया ना. राइट प्रिम्स एल्गोरिथम फॉर कंस्ट्रक्टिंग मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री एंड ट्रेस द एल्गोरिथम फॉर द फॉलोइंग ग्राफ. ट्रेस द एल्गोरिथम. तो इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस करना जरूरी है. फर्स्ट, ग्राफ क्या होता है. फर्स्ट थिंग जो कि हम लोग पढ़ते हैं वो है ग्राफ. क्लियर. तो ग्राफ इज ए सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस. सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस मतलब जब भी हम लोग ग्राफ लिखते हैं जी ब्रैकेट में लिख सकते हैं जी कॉमा ई. जैसे कि वन टू थ्री दिखाई दे रहा. तो वर्टेक्स भी इट मीन सेट ऑफ वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या है वन टू थ्री एंड एज सेट क्या है ई वन ई टू एंड ई थ्री. तो ग्राफ इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस. क्लियर. नेक्स्ट, ट्री क्या होता है. ट्री क्या है. इट इज एन एसाइक्लिक ग्राफ. तो ट्री इज एन एसाइक्लिक ग्राफ. तो ट्री होने के लिए साइक्लिक नहीं होना चाहिए. जैसे कि इसमें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1 तो साइक्लिक है. तो ट्री में अगर इसी को हम ग्राफ से हम बनाते हैं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्री. क्लियर है ना. तो सर इसको भी ट्री बोल सकते हैं. नहीं तो ओनली अगर 1, 3 लेते हैं तो उसको भी ट्री बोल सकते हैं. दोनों ट्री है. ये मतलब एक ऑर्डर फॉलो करने जरूरी नहीं है जितना वर्टेक्स सबको लिया जाए.
आप छोड़ भी सकते हैं, बट जिस ट्री के अंदर ग्राफ में जितना वर्टेक्स था सब आ जाता है उसको बोलता है स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्री व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑल द वर्टिसेस बिलोंग्स टू द ग्राफ। तो ग्राफ के अंदर जितना वर्टेक्स बिलोंग करता है सब अगर ट्री के अंदर आ जाता है तो इसको बोलते हैं स्पैनिंग ट्री, बट ये नॉर्मल ट्री नॉट ए स्पैनिंग ट्री। नॉर्मल ट्री ये स्पैनिंग ट्री नहीं है। तो सबसे पहले डिस्कस किए ग्राफ, ग्राफ दैट इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस। तो जैसे कि ये सब वर्टेक्स बोलते हैं और द कनेक्टिंग बिटवीन टू वर्टिसेस इज कॉल्ड एज। तो उसमें से बोले ट्री क्या है, इट इज एन एसाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, तो ये जो दोनों ट्री है तो दोनों ट्री है बट एक ट्री में नंबर ऑफ वर्टेक्स जितना ग्राफ के अंदर था सब है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पैनिंग ट्री। क्लियर? ओके, अभी इसमें लिखा है क्वेश्चन में मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकालना है। तो सर स्पैनिंग ट्री तो क्लियर हो गया, लेकिन इसमें जो है मिनिमम कॉस्ट। अभी कॉस्ट मतलब क्या है, इसमें अगर 22 लिखा जाए, सपोज इसमें कुछ कॉस्ट लगा दी E1, E2, E3, सपोज ये 4 है, ये 5 है और ये 2 है ना। अभी उस हिसाब से सर जो आप ट्री बनाए हैं इसमें 1, 2, 8 है, मतलब 4 लिख दीजिए, इसमें 5 लिख दीजिए, तो कितना सम आएगा, कॉस्ट कितना आएगा, 5 + 4, 9। बट हम अगर इस टाइप का ले लेते हैं 1, 2, 3 जिसमें 4 लिखते हैं और 2, तो दोनों तो स्पैनिंग ट्री है बट इसमें कॉस्ट मिनिमम कहां पर आ रहा है, 4 + 2, 6, इसमें 5 + 4, 9 हो गया है ना। तो 4 + 2 कॉस्ट इससे भी मिनिमम में आ रहा है, तो इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं मिनिमम, यस मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। क्लियर हो गया? कॉस्ट मतलब वेट एसोसिएटेड विथ ईच एज, हर एक एज के साथ जो वेट एसोसिएटेड रहेगा उसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर? सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट? अभी मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकालना है बट इसमें कौन सा एल्गोरिथम का यूज करना है, प्रिम्स। एक्चुअली दो टाइप का एल्गोरिथम होता है, एक का नाम है क्रुस्कल, क्रुस्कल एल्गोरिथम, और एक होता है प्रिम्स। हम लोग दोनों डिस्कस कर लेंगे आज, जो क्रुस्कल में कैसे होता है और प्रिम्स एल्गोरिथम में कैसे डिजाइन किया जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, यस ऑफ कोर्स रोहित, ओके सुनील आगे बढ़ते हैं। मधुब सुनाई दे रहा है, मधुब, दीपा, अभिषेक,
पहले फर्स्ट स्टेप में कंसीडर कर लिए हैं जी भी ई बी द ग्राफ एंड टी, ये वन मत लिखिए, एंड टी भी ई डैश बी द ट्री, इनिशियली टी ऑफ भी इसके अंदर कोई पार्ट नहीं है, माने नल है, तो आप इसको ब्रेसेस के अंदर रख सकते हैं। चूज ए वर्टेक्स स्मॉल वी दैट बिलोंग्स टू वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ, चूज ए वर्टेक्स स्मॉल वी, कोई भी एक वर्टेक्स को चूज करना है, कहां से? ग्राफ का वर्टेक्स के अंदर से। इसको एक बार देख लीजिए क्या लिखे, चूज ए वर्टेक्स स्मॉल वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी ऑफ जी, टी ऑफ वी के अंदर मतलब ट्री का जो वर्टेक्स होगा उसके अंदर वी को डाल दिए, व्हाइल यू बिलोंग्स टू वी ऑफ जी मतलब ग्राफ का जितना वर्टेक्स है माइनस वर्टेक्स ऑफ द ट्री नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल नहीं हो रहा है मतलब ये बढ़ते जाएगा और ये जो है वो सेम रहेगा। तो पहले जो टी ऑफ भी रहेगा उसके साथ यूनियन किए हैं किसका, यू का, ये एल्गोरिथम को एक बार फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ग्राफ है तो इनिशियली ट्री के अंदर नल है, लेकिन हम लोग एजम्पशन करते हैं वी मतलब वर्टेक्स और ई डैश मतलब एज,
चूज द वर्टेक्स, कौन सा वर्टेक्स को चूज करें, कोई भी एक वर्टेक्स को आप चूज कर सकते हैं। हम जैसे वर्टेक्स चूज किया है 7, तो टी ऑफ वी के अंदर क्या रख देंगे, वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ उसको राउंड कर। अभी आपको क्या करना है, चेक दैट इट डज नॉट क्रिएट अ साइकिल एंड विद मीन कॉस्ट। अभी 7 में से ठीक से देख लीजिए, 14 एक जा रहा है एज, एक 24 और एक 18, इसमें से मिनिमम कौन है, 7 से 14, 18, 24, इसमें मिनिमम है 7 और 2, तो 7 से 5 जाएंगे तो 24, 7 टू 4 18 एंड 7 टू 2 14, क्लियर है। तो 7 जैसे करके डायग्राम है ऐसे बना दीजिए, इसमें लिख दीजिए 14, क्लियर। तो जब 7 टू ले लिया जाएगा तो T ऑफ V के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, 7 और 2। पहले चूज किया गया था 7, जैसे कि 5 था, उसके बाद 7 को हम डाल दिए हैं, उसके बाद चेक कर रहे थे जो 7 के साथ वी ऑफ जी मतलब क्या है, जितना भी वर्टेक्स ठीक है और जितना है, जैसे कि 7 इसको छोड़ के सबका कनेक्शन टेस्ट करेंगे, 7 के साथ कनेक्शन है 2 4 एंड 5 का, मिनिमम कॉस्ट कितना है 14, तो 7, 2 इसको जो है आप डाल दीजिए। सिमिलरली स्टेप 2, अभी आपको क्या चेक करना है, जैसे कि इसमें कितना आ गया 72 और v ऑफ g माइनस t ऑफ v कितना आएगा, सॉरी v ऑफ g मतलब ग्राफ का जितना वर्टेक्स है 1 to 7 और v ऑफ t 7 और 2 है, इसको अगर हटा देते हैं तो कौन कौन सेट आएगा, 1, 3, 4, 5, 6, ठीक लिखे, v ऑफ g के अंदर 1 टू 7 है और v ऑफ t के अंदर अभी दो वर्टेक्स आ गया 7 और 2, अभी 7 2 के साथ 1 3 4 5 6 का मिनिमम वैल्यू का कनेक्शन कहां आ रहा है, तो 7 के साथ कनेक्शन है 18 24, 2 के साथ कनेक्शन है 16 और 28, है ना, 7 के साथ 24, 18, 14 तो दिया गया है और 2 के साथ है 16 और 28, किस एज को सिलेक्ट कीजिएगा, चूज द मीन कॉस्ट एज 2, 3, 2 के साथ 3 का, तो 2 के साथ 3 16 है, तो 16 18 24 और 28 उसमें से मिनिमम 16 ही है, तो 7 2 14 लिख दीजिए और इसमें 3 लिख देते हैं जो कि 16 हो, तो T ऑफ भी भी के अंदर 7 आ गया था, पहले 2 था उसके बाद 3 आ जाएगा, दिखा दे रहा है, ये जो पार्ट था ये एल्गोरिथम था, अब इसको फॉलो करके हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेप 3, फिर से आपको करना है v ऑफ g माइनस v ऑफ t, अभी t ऑफ v के अंदर 7 2 3 हो गया, तो 1 4 5 6 4 आ जाए, जैसे इसमें माइनस किए थे 7 2 को तो ये वैल्यू आ गया, अब v ऑफ g मतलब 1 2 7 उसमें से v ऑफ t 7 2 3 अगर हटा देते सबट्रैक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली 1 4 5 6 आ जाएगा,
तो अभी चेक करना पड़ेगा 7 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ। 3 के साथ कितना है इसमें? 12 है ना, और 3 4 12 है, 2 1 20 24 और 7 4 18 तो मिनिमम कॉस्ट कितना है? 12 3 4 यस। तो चूज द मीन कॉस्ट एज 3 4 तो 3 4 को अगर करेक्ट कर देते हैं तो ग्राफ क्या आएगा? 7 2 3 तो 14 16 4 12 तो इसमें टी ऑफ भी एक नोट अटैच हो जाएगा। 3 4 अटैच हो गया तो 7 2 3 4 है ना, क्लियर है? ओके। क्लियर है? हो गया ना। तो एल्गोरिथम को हटा देते हैं, एल्गोरिथम को हटा देते हैं क्योंकि सेम प्रोसीड्योर कर रहे थे। ये बार बार जो है लूप के अंदर ये घूमते रहेगा। टी ऑफ भी यूनियन यू, जो जो हमको एक्स्ट्रा 3 4 कनेक्ट हो रहा है तो 4 जो है मिल जाएगा। तो 7 2 3 4 ऑटोमेटिकली हमको एक एक करके देना पड़ता। एल्गोरिथम लिखने का जरूरत नहीं है, बट समझाने के लिए हम दिए थे और कुछ नहीं। स्टेप 4 vertex of the graph minus vertex of the tree। तो 7 2 3 4 अगर हट जाएगा 1 5 6 आ जाएगा। 2 the mean cost। अभी इसमें mean cost किसको लिया जाएगा? cost edge। अभी किसके साथ चेक करना है? 1 5 6 के साथ 7 2 3 4 और 1 5 6 इसमें 28 दिखाई दे रहा है, 24 दिखाई दे रहा है, 22 दिखाई दे रहा है ना। 7 4 तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि लूप हो जाएगा, साइकिल हो जाएगा। तो इसमें आपको किसको लेना है? 28 है एक, 22 और 10 तो नहीं है, और 24 5 4 5 तो 7 2 3 4 इस साइड में जाइएगा तो 5 तो 22 12 16 एंड 14 तो टी ऑफ भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम अरेंज करके लिखते हैं 2 3 4 5 7 कितना पार्ट आ चुका है। स्टेप 5 इसमें भी माइनस बी ऑफ टी माइनस कर देंगे 2 3 4 5 7 1 और 6 इन आएगा।
अभी 1 और 6 के साथ एक 25 है और इधर 28 है, तो 25 और 28 में 25 कम है। कंसीडर 5 6 तो 7 2 3 16 12 4 22 5 हो जाएगा और 5 से 6 कितना वैल्यू 25। एंड लास्ट स्टेप इसमें टी ऑफ भी क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 V of G minus V of T तो कितना आएगा? Only one आएगा, ना? अभी one के साथ connection एक side से 10 है और एक 28 है, तो 10 को लिया जाएगा, consider 1,6 तो 1 10 6 हो गया, 2 7 3 4 5 and 6 कितना बन रहा है 14 16 12 22 25। तो लास्ट इसके बाद अगर कीजिएगा तो अभी क्या है T of B के अंदर जितना वर्टेक्स सब आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 है ना, और ये साइक्लिक भी नहीं है और वो भी मिनिमम कॉस्ट को देखते हुए। क्लियर है? जी 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 रहेगा बिट्टू कुमार रहेगा, डोंट वरी। क्लियर है? तो अभी लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा मिनिमम कॉस्ट इज अभी टोटल मिनिमम कॉस्ट कितना है 14 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 10 अभी जितना वैल्यू है सबको ऐड कर दीजिए 14 प्लस 16 30 प्लस 10 40 प्लस 52 54 64 74 74 प्लस 25 99 हो रहा है क्या? चेक करते देख लीजिए तो 30 प्लस 10 कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 14 प्लस 16 30 हो गया 32 और 22 54 64 74 89 होगा क्या? देखें तो 25 कितना आ रहा है 94 लग रहा है। सुनील क्लियर है? सुनील अभिषेक मधु रिप्लाई नहीं आ रहा है?
लिख दिया। हाँ हाँ अपलोड रहेगा। ओके ये अगर क्लियर हो गया हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी सर्च ट्री के लिए, क्रिएट ए बाइनरी सर्च ट्री फॉर फॉलोइंग नंबर्स, स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार लिख लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 का ए, क्रिएट ए बाइनरी सर्च ट्री फॉर फॉलोइंग numbers, start from empty BST binary search tree 45 26, then 10 60, 70, 30 and 40। 10 marks का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, एक बार देख लीजिए। तो बाइनरी सर्च ट्री का मतलब क्या होता है? BST साइट में हम लिंक के रखते हैं, बाइनरी सर्च ट्री is a binary tree. Where the key value in the left
will be less than the key value in the root and the key value in the right will be greater than or equals to the key value in the root. इसका मीनिंग को समझे। बाइनरी सर्च ट्री इज अ बाइनरी वेयर द की वैल्यू इन द लेफ्ट विल बी लेस देन द की वैल्यू इन द रूट एंड द की वैल्यू इन द राइट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द की वैल्यू इन द रूट। तो बाइनरी ट्री मतलब कोई भी एक ट्री जिसमें कितना ब्रांच हो सकता है, एटमोस्ट टू चाइल्ड हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो सपोज एक बाइनरी ट्री है जिसमें दिखाई दे रहा है आपको दो ब्रांच बना दिए हैं, तो ये जो फर्स्ट रूट या पेरेंट नोड, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो हम इसमें क्या बोले, बाइनरी सर्च ट्री इज अ बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री का मतलब जो है कोई भी ट्री होगा उसमें नंबर ऑफ चाइल्ड एटमोस्ट टू होगा, मैक्सिमम दो हो सकता है या उससे कम हो सकता है, वन हो सकता है या जीरो हो सकता है। अगर सपोज मान के चलिए इसमें लेफ्ट चाइल्ड भी है राइट चाइल्ड भी है, इसमें वैल्यू दे दिए है 25, तो लेफ्ट साइड का वैल्यू 25 से कम होगा। Where the key value in the left will be less than the key value in the root. तो suppose मान के चलिए 20 डाल दिए, and the key value in the right will be greater than or equals to the key value in the root. या उससे ज्यादा value होगा तो right side में ले जाना है। That is the restriction that must be satisfied by the binary search tree. ये restriction satisfy करना ही पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है बाइनरी सर्च ट्री का। बिफोर यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम अबाउट बाइनरी सर्च ट्री, यू शुड नो अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री एंड द बाइनरी ट्री एंड द व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन दैट इज गिवन बाय द बाइनरी सर्च ट्री। क्लियर? नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। इनिशियली the binary search tree is empty, means there does not exist any node. Step 1, consider the kitna hai, consider the first value 45, hai na? तो 45 जब कंसीडर कर रहे हैं तो इनिशियली रूट नोड इसी को बना देते हैं। स्टेप 2, नेक्स्ट एक बार देख लीजिए ऑटोमेटिकली आप खुद से कर 26 इंसर्ट टू द बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री में। नेक्स्ट नोड क्या है, 45 हो गया, नेक्स्ट 26। अभी कंपेयर क्या करना है, 26 छोटा है या बड़ा है? 26 इज लेस देन 45, सो 45 एंड लेफ्ट साइड ब्लैंक है तो उसमें 26 कर। क्लियर? तो स्टेप 3, नेक्स्ट नोड क्या होगा, 10 है ना। कंसीडर 10 कहां पर इंसर्ट होगा, पहले तो रूट के साथ पहले कंपेयर किया, 10 इज लेस देन 45 एंड 10 इज आल्सो लेस देन 26, सो 45
लेस देन जैसे 26 लिखा है एंड 26 का भी कम है देयर इज अ नो क्लियर. अभी सिमिलर क्वेश्चन में 60 70 80 और 40 जब भी आपको करना है तो ऑटोमेटिकली 60 को सबसे पहले किसके साथ कंपेयर करेंगे 45 तो 45 से अगर बड़ा हो गया तो उसका राइट में चला जाएगा. यहां पर ही हम दिखा देते हैं स्टेप 4 Next element is what? 60. 60 is greater than 45. And the right hand side is empty. So, it will be placed into the right hand side. Is that clear? And the similar way, 70, so automatically 60 ka right mein chala jayega. Uske baad 30, 45 ke saath compare karte to usse kam hoga. 45 se kam hai. But 30 is greater than 26. So, 26 ka right side and 40 is less than 45 greater than 26 greater than 30 to last binary search tree dekhne mein kuch is type ka hoga. Iske liye 10 marks diya jata hai. Clear? ठीक है. तो लगभग में आज 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं. एक बाइनरी सर्च ट्री का, एक प्रिम्स एल्गोरिथम का यूज करके मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, उसके बाद एरे रिप्रेजेंटेशन और पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन. किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं ये चारों क्वेश्चन छोड़ के. ठीक है, आज के लिए स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप का, लेकिन आप लोग क्वेश्चन पेपर लेके आइए क्योंकि अभी एग्जाम तो नजदीक है ना. कब है एग्जाम? 21 का फर्स्ट सेमेस्टर. अच्छा ठीक, ओके मधु. अच्छा ठीक है सुनील, ठीक है हम ऑफ कर देते हैं. नेक्स्ट